हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत से लोगों को कोई गंभीर रोग या बीमारी नहीं होती, फिर भी भूख अच्छी नहीं लगती, खाने में अरुचि रहती है कि खाने की इच्छा नहीं होती और मुंह में खाने का स्वाद नहीं आता, मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो चलिए, आज मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी, स्वादिष्ट और पाचक चटनी बनाना बताता हूँ, जिसके इस्तेमाल से एक हफ्ते में ही आपकी भूख खुल जाएगी, मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा और आपका हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। इसके लिए एक कच्ची अदरक का टुकड़ा लेते हैं, इसका वजन करीब 10 ग्राम हो, उसको कद्दूकश कर लीजिए। दोस्तों, अदरक हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन को बढ़ाती है। जब इस अदरक के कच्ची अदरक के लच्छे बन जाएं, तो इसको पैन में हल्का सा एक मिनट के लिए भून लें, जिससे इसकी नमी निकल जाए। बाद में इसमें एक नींबू का रस निचोड़ लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें एक चाय का चम्मच यानी कि 3-4 मुनक्के के टुकड़े छोटे कर लें और उसको मिला लें। अगर आपके पास मुनक्का नहीं है तो उसकी जगह आप ग्रीन किशमिश मिला सकते हैं। उसके बाद उसमें आधा चम्मच शहद मिला लें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें सबसे लास्ट में 1/4 चम्मच सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर रख लें। यह आपकी चटनी तैयार हो गई। इसके इस्तेमाल इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले चाट कर खाएं। इससे भूख खुलेगी, हाजमा दुरुस्त होगा और आपके मुंह का टेस्ट भी अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।